क्या बोल। हेलो दोस्तों, आज हम एब्रेशन टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम 5 किलो एग्रीगेट लेंगे, जो हमारा है 12 mm का और 20 mm पर। इसे हम एब्रेशन टेस्टिंग मशीन में डाल देंगे। डालना हम डाल देना। ठीक है, ये हमारी एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है। ये एक ड्रम जैसी होती है। अब इसमें हम ये लोहे के 12 बॉल डालेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, दस, कितना 11, ये 12, ये पूरे 12 हो गए। ये 12 बॉल डाल दिए हैं। अब हम इसे इसका देख लेंगे। सर कितने राउंड लेंगे इसमें? 500। इसमें हम 500 राउंड लगाएंगे। तो अभी ये रीडिंग 0 पे है। अभी हम इसका ढक्कन पैक कर रहे हैं। हमने इसका ये ढक्कन लगा दिया है। अभी हम इसके नट पूरे अच्छे से टाइट कर लेंगे, चारों नट। तो हम प्रॉपर टाइट करना है कि खुले ना बिल्कुल भी। अरे हटना। ये देखिए सब कसना एक बार भाई। इसके नट हमने पूरे अच्छे से टाइट कर रहे हैं और कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए नट पूरे टाइट हो गए हैं। इसकी ये रीडिंग हमारी अभी 0-0 पे है। इसका मैं यस सर 0 ये 0-0 है। 0 है ना? हाँ ये 0 है। अब हम इसको चालू करेंगे। इसको अब चालू करेंगे। इसको चालू करेंगे। वाले हैं वो है सर एमसीबी। अभी 106 राउंड हो चुके हैं। 106 राउंड हो चुके हैं। ऐसे 500 राउंड लेंगे इसमें। फिर इसका हम वेट करेंगे जो एग्रीगेट निकलेगा। ये सब ये 500 राउंड हो गया। अब हमने इस मशीन को बंद कर दिया है। अब हम इसे ट्रे में निकालेंगे नीचे। अब हम इसको खोलेंगे। कोई ले उत्कर्ष बना वीडियो देख। बनाना वीडियो मोबाइल पकड़। चल ठीक है। अबे नीचे खुलेगा। अरे उल्टा घुमा रहा मन। अरे मैं नहीं आ रहा जो वीडियो बना रहा। ये देखिए अंदर जो हमने एग्रीगेट डाले थे वो पूरा चूरा हो चुका है। हम इसको नीचे ट्रे में निकाल लेंगे। अभी मैं निकाल रहा था।
अब हम इसको नीचे ट्रे में गिरा लेंगे घुमा के। घुमा उसका, घुमा उसको, नहीं घुमेगा वो। हो गया खाली, रोक लेना, ये पूरा खाली हो चुका है, इसे रोक लेंगे, ये पूरा खाली हो चुका है, देख सकते हैं ये पूरा खाली हो चुका है। अभी धूल धूल है तो दिख नहीं रहा है। ये देखिए हमने यहाँ ट्रे में निकाल लिया है पूरा एग्रीगेट। ये जो बॉल है ये लोहे की है। अरे हट रहे, मेरे को बस फोटो खींचना है। इसको वहाँ टेबल में रख, टेबल में रख लो। इसको वहाँ टेबल पे रख लेंगे। इससे ये पूरी बॉल हटा देंगे। ये लोहे की बॉल निकल चुकी है। ये देखिए गिट्टी हमारी कुछ कुछ चूरा हो चुकी है, एकदम पाउडर बन चुकी है। अब हम इसे छान लेंगे। सीव का साइज है 170, इससे हम छान लेंगे इसे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अब हम इसको छान रहे हैं। ये हमारे यादव सर है जो हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए हमारे क्लास की लड़की छान रही है, बेचारी को छानने का काम पकड़ा दिए। हाँ यहाँ हम भी कैमरे में आना, वीडियो में आना चाहते हैं, मगर कोई वीडियो शूट ही नहीं करने वाला है। ये छान रहे हैं, ये हमने पूरा छान लिए हैं क्यू से, देख सकते हैं आप। ये हमारा पाउडर निकल गया है पूरा। ये रुक जा रुक जा रुक जा, जीरो होंगे, अब डाल दो इसको। उधर ही कर लेते नहीं उधर। अच्छा ये देखिए इसको हमने वेट कर लिया, इसका वेट आया है 525 ग्राम। ये हमारा बारीक दूरा का वेट हो गया, इसका वेट हमारा 525 ग्राम आया है। हमारा जो एग्रीगेट बचा था मोटा वाला, हम उसका वेट करेंगे। पहले हम इसको रख के जीरो कर देंगे, हाँ इसको जीरो कर देंगे। अब इसका वेट कर लेंगे। ये देखिए 4 किलो 400 ग्राम लिख ली है ये, इसको 600 था हमारे, 4 किलो 600 और वो 500 पर, हाँ 500 भूल गई है वो, 4.5 किलो ये लिख ली, 525 ग्राम, वो हमने 5 किलो लिए थे, पूरा एग्जैक्ट वेट आ गया है हमारा। ये हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। हमने 5 किलो एग्रीगेट लिए थे और जो बारीक वाला हुआ था हमारा, हमने उसको अलग कर दिए, तो हमारा जो बचा हुआ पासिंग 4,450 ग्राम, जिसे हम W2, तो लॉस एंजेलिस एब्रेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है W1 - W2 / W1 × 100। तो ये कैलकुलेशन करने में 11% आया। अगर ये 18% से ज़्यादा आता है तो वो सैंपल फेल हो जाता है, उसे हम बड़ी बिल्डिंग में यूज़ नहीं कर सकते। अधिकतम 13 से 14% तक के आना चाहिए। बस ये इसका पूरा लैब मैनुअल, जिससे आप इसे फाइल में लिख सकते हो। ये फ्रंट पेज, इसका डायग्राम, अच्छा है।